वही मौसम तो एकदम गजब हुआ पड़ा है, मजे आ रहे हैं पूरे। तेज बारिश हो रही है, वाइपर की स्पीड भी बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी। बड़ा एक खतरनाक एक्सीडेंट हुआ पड़ा है भाई, ट्रक ऊपर चढ़ गया ग्रिल तोड़ के। सो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज जर्नी शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि YouTube पे ये मेरी पहली जर्नी होगी। तो आज की जो जर्नी आज हम कवर करेंगे वो करेंगे हिसार से लेके चंडीगढ़ की। तो 255 किलोमीटर का ये डिस्टेंस होगा जो आज हम कवर करेंगे। तो 4 घंटे की जर्नी है, तो चलिए शुरू करते हैं फिर। तो भाई सुबह 5 बजे उठ के नहा धो के ब्रेकफास्ट वगैरह करके तो नेट पूरे 6 बजे निकल चुका हूँ अपनी जर्नी के लिए। तो भाई निकल चुके हैं घर से, तो चलिए शुरू करते हैं फिर। सुबह ये अपना राजगढ़ रोड है, सीधा राजगढ़ जाता है। और इसी राजगढ़ रोड पे जो एशिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है वो मैं आपको दिखाऊंगा। और काफी सारी चीजें हैं जो हिसार में है जो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, देखने लायक है, तो चलिए दिखाता हूँ। सुबह चंडीगढ़ तो जा ही रहे थे तो गाड़ी का सारा काम करवा लिया, लेकिन एक चीज भूल गया, पेट्रोल भरवाना। तो सबसे पहले अपने को पेट्रोल भरवाना है, तो चलो। कोई खड़ा ही नहीं भाई, कहाँ है सारे? भैया पेट्रोल डाल दो, एक्स्ट्रा वाला करना भैया, एक्स्ट्रा वाला प्रीमियम वाला। हाँ ऑनलाइन करना है। सो गाइस पेट्रोल हमने भरवा लिया है ताकि कहीं रुकना ना पड़े, सीधा नॉन स्टॉप चंडीगढ़ जाके मैं उतरूंगा, तो रुकूंगा सॉरी। तो चलिए गाइस, ये है हमारी एशिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी HAU, चौधरी चरण दास सिंह यूनिवर्सिटी, सॉरी चौधरी चरण दास एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। तो मॉर्निंग में यहाँ लोग आते हैं घूमने के लिए, बड़ा ही शुद्ध पर्यावरण है हमारे यहाँ का। और ये चार नंबर, ये हमारे HAU का 4 नंबर गेट है, जस्ट इसके सामने ही जवाहर नगर है, वो भी काफी फेमस है मार्केट के नाम पे। सो गाइस ये है हमारा गवर्नमेंट कॉलेज हिसार का। और हमारे इसी राजगढ़ रोड पे हमारी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी है, सो मैं दिखाना भूल गया। सो गाइस ये है हमारा फवारा चौक, इसके लगते ही IG ऑफिसर का घर है, यहाँ रहते हैं हमारे IG ऑफिसर। और जस्ट इसके सामने बिल्कुल नहर कॉलोनी है, जो हिसार में रहते हैं उनको पता ही होगा, बड़ा ही खूबसूरत है हमारा हिसार। और ये जो रास्ता जा रहा है ना लेफ्ट साइड की तरफ,
ये जा रहा है हमारा जिंदल टावर की तरफ और ये हमारा लक्ष्मीबाई चौक। काफी खूबसूरत है हमारा जिंदल टावर भी, काफी सारी देखने की जगह है उसमें। जो जिंदल की जो पुरानी पुरानी गाड़ियां थी वो सब वहां रखी हुई है। जैसे ही पुल पे चढ़े थे और पुल से उतरते ही हमारे रेड स्क्वायर मार्केट हमारा शुरू हो जाता है। तो भाई इतना मस्त है ना ये रेड स्क्वायर मार्केट हमारा कि जो चाहे किसी भी तरह का आप मोबाइल यहाँ ले सकते हो। इस तरफ भी है और इस तरफ भी है, दोनों तरफ है। और ये हमारा रामलीला ग्राउंड, जो रामलीला वगैरह होती है यही होती है हमारे। I love Hisar. तो ये हमारा परिजात चौक है और जस्ट ठीक इसके सामने हमारा नागौरी गेट है। और नागौरी गेट के लेफ्ट सॉरी राइट साइड लगते ही हमारा राजगुरु मार्केट है, जो बहुत ही ज्यादा फेमस और बहुत ही ज्यादा बड़ा है। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये सारा राजगुरु मार्केट ही है हमारा। ये है हमारा नागौरी गेट। फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था भाई। तो फिरोज शाह तुगलक ने चार गेट बनवाए थे हिसार में, एक तो तलाकी गेट, मोरी गेट और एक दिल्ली गेट और ये अपना ये नागौरी गेट। तो ये है हमारे हिसार का गुजरी महल। ये जो बाहर भाई खड़े हैं आप देख रहे हो, गाड़ियां खड़ी है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये यहाँ, तो ये हमारा गुजरी महल है। किस दिन चाहा तो गुजरी महल पे भी एक वीडियो बनाऊंगा मैं। और जस्ट ठीक इसके सामने बस स्टैंड है हमारे हिसार का। ये मैं बता दूं आपको कि जो गुजरी महल जो है ये फिरोज शाह तुगलक ने ही बनवाया था। तो फिरोज शाह तुगलक शायद मे बी 13 के आसपास ही वो बना था राजा, सॉरी राजा कह रहा हूँ शासक। ये फिरोज शाह तुगलक वंश का आखिरी शासक था और ये मुस्लिम वंश का भी आखिरी ही शासक था। सो इसके राइट साइड मुड़ते ही हमारी ऑटो मार्केट शुरू हो जाती है, जो एशिया की सबसे बड़ी ऑटो मार्केट है हमारी, वो भी हमारे हिसार में। ये जो आप राइट साइड में देख रहे हो ना अभी, तो ये यार झाड़ियां वगैरह आ गई। ये हमारा ओपी जिंदल पार्क है। तो यहां से हमारा ऑटो मार्केट शुरू होता है। ये जो बिल्डिंग्स आप देख रहे हो टीवीएस का शोरूम है। तो ये पूरा आगे तक जो जाएगा मैं दिखाऊंगा आपको, ये हमारा पूरा ऑटो मार्केट है, एशिया का सबसे बड़ा ऑटो मार्केट है। तो दो चीजें हैं हमारे हिसार में जो एशिया में सबसे बड़ी है, एक तो HAU चौधरी चरण दास एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हमारी, और हमारा ऑटो मार्केट, दोनों सबसे बड़े हैं भाई एशिया में। यहाँ से लेफ्ट लेना अपने को, ये हमारा GGU गुरु जमेश्वर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हिसार, यही बड़ा खूबसूरत है। पधारने का हार्दिक स्वागत। तो ये हमारा फ्लाईओवर है परवाड़ा चुंगी इसको हम बोलते हैं इसको, और इसके हमें लेफ्ट लेना है। ये जो सीधा रोड जा रहा था ना, सीधा रोड आप देख रहे हो, तो ये जा रहा था तलवंडी राणा। पहले यहाँ से हम लोग जाया करते थे, तो एयरपोर्ट बनने के कारण इसे बंद कर दिया गया था काफी टाइम पहले ही। तो इस रोड को फिर आगे से कर दिया गया, अपना जो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक है उसको क्रॉस करके, तो वहाँ से भी इसको बंद कर दिया गया। तो लोगों ने धरना प्रदर्शन किया था, तो अभी वो बंद ही है, तो इसलिए हम इस रास्ते से जाएंगे। सो ये हमारा हिसार दिल्ली हाईवे है, इसके जस्ट बिल्कुल राइट साइड में ही ये पेट्रोल पंप आप देख रहे हो, मैं दिख नहीं रहा। ये है हमारा ब्लू बर्ड झील, खूबसूरत है।
और इसमें बोटिंग वगैरह भी होती है, तो कपल्स वगैरह आते रहते हैं इसमें, हम भी जाते हैं, लेकिन कपल के तौर पे नहीं जाता हूँ मैं, अपने फ्रेंड्स के साथ ही जाता हूँ मैं। देखिए ये भी रास्ता है, तो बस स्टैंड से सीधा अगर इस तरफ आएंगे तो ये सीधा दिल्ली सिरसा हाईवे में मिलेगा जाके। तो मैं तो शहर के अंदर से आया हूँ अच्छे से, ताकि आपको दिखा सकूँ हमारे हिसार की जो काफ़ी फेमस चीज़ें हैं, जैसे कि HU है हमारा, और ऑटो मार्केट हो गया, GJU हो गया, गुजरी महल हो गया। तो ये जो हिसार है ये फिरोज शाह तुगलक ने ही बसाया था एट दैट टाइम, प्राचीन टाइम में। तो शुरुआत में इसका नाम था शायद मे बी इसहूर था। तो फारसी एक लैंग्वेज है, उससे इसका नाम पड़ा हिसार। हिसार का मतलब है दुर्ग, मतलब एक किला। घोड़ा फार्म जो है हमारा वो भी यहीं आता है, इसी रोड पे आता है, मेरे लेफ्ट साइड में। क्योंकि जब से बंद हुआ है ना हाईवे, दोनों हाईवे एयरपोर्ट के कारण, तब से परेशानी हो रही है लोगों को। ये है हमारा बगला रोड, तो यहाँ से भी रास्ता है, जो हिसार में रहते हैं उनको पता ही होगा। तो मुझे यहाँ जाना है, अंकल जी वेट कर रहे हैं बस का। रहा है अपना गांव इस तरफ जो पड़ते हैं, मेरे लेफ्ट साइड ढंडूर है, इस ढंडूर के लगते ही ये ब्रिज है, तो इसके मेरे को राइट साइड लेना है, हिसार का बाईपास इसे बोलते हैं। तो जिस पे मैं चल रहा हूँ ना ये NH 44 है। आसमान बड़ा ही खूबसूरत है, NH 52 है, और कम से कम मुझे नरमाना तक मुझे NH 52 पे ही रहना है। ये हमारा स्प्लैश, द फन पार्क। सो गाइस, हमारा फर्स्ट टोल प्लाजा आ चुका है, बदोपति टोल प्लाजा इसका नाम है। कोई बैठा ही नहीं है। ये अपना राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट। तो ये मेन रास्ता है इसका, वो यहां से एंटर करता है प्लांट के अंदर। तो ये था अपने हिसार का राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट, जो हिसार में और इसके आसपास के जो गांव है, कस्बे हैं, उनके अंदर बिजली सप्लाई करता है। ये सब मुझे इसलिए पता है क्योंकि मेरे पापा जी APSDO थे, अब तो इस रिटायर्ड है। अपना ये बरवाला के अंदर जाने का रास्ता ये है, जहाँ मेरा दोस्त भी रहता है हितेश मित्तल, बड़ा प्यारा दोस्त है मेरा। लेकिन अपने को सीधा जाना बाईपास। तो ये अपना सूरा वाला मोड़, तो यहां से लेना अपने को राइट। तो गाइस अभी भी नेशनल हाईवे अपना 52 ही स्टार्ट है, जो बदलेगा नेशनल हाईवे, जो हम चेंज करेंगे वो हम करेंगे नरवाना के बाद। सो गाइस ये हमारा दूसरा टोल है, नरवाना टोल प्लाजा। इसका रेट क्या है भैया, क्या रेट है इसका, प्राइस 90 रुपए का है, महंगा है यार। नरवाना टोल प्लाजा, टोल्स बड़े महंगे, इतना पेट्रोल का खर्चा लगता है, इतना टोल का लग जाता है। सुबह नरवाना शहर के अंदर जाने का रास्ता वो है उस तरफ, लेकिन अपने को हाईवे ही रहना है, पकड़ेगा ना अपने को हाईवे, छोड़ना नहीं है बस। सो गाइस नरवाना, नरवाना के बाद कलायत, कलायत के बाद कैथल, फिर उसके बाद सीधा अंबाला। तो भाई कलायत आ गया अपना, सो कई लोग बोलते हैं, आपको भी पता ही होगा
कि सोलो ट्रैवल या फिर आप कहीं जा रहे हो रोड ट्रिप सोलो, तो वो काफ़ी बोरियत भरा हो जाता है, काफ़ी बोरिंग हो जाता है। लेकिन मुझे तो ऐसा नहीं लगता, क्योंकि मैं तो अपने आप को बहुत ज़्यादा इंजॉय करता हूँ और लगभग मैंने सोलो ट्रैवल ही किया है मैंने, तो बड़ा मज़ा आता है। बस गाने चलते रहते हैं और मस्ती में चलता रहता हूँ अपना। बड़ा एक खतरनाक एक्सीडेंट हुआ पड़ा है भाई, ट्रक ऊपर चढ़िया ग्रिल तोड़ के। सो गाइस, ये हमारा तीसरा टोल प्लाजा है, विलेज थाना टोल प्लाजा। सो कैथल पार करते ही ये टोल प्लाजा आता है, विलेज थाना टोल प्लाजा। और हिसार से कैथल तक का जो डिस्टेंस है वो है 127 किलोमीटर दूर। सो ये पेवा का बाईपास है अपना, पेवा पहुंच गए, उससे आगे जस्ट अम्बाला। तो गाइस, अपना चंडीगढ़ सिर्फ 90 किलोमीटर दूर रह गया। तो भाई मौसम तो एकदम गजब हुआ पड़ा है, मजे आ रहे हैं पूरे। तो व्यू भी काफी अच्छा आ रहा है हाईवे का। हल्की सी एक स्ट्रेचिंग ब्रेक, हल्की फुल्की बारिश भी है, दिख भी रही होगी आपको कैमरे पे भी आगे किसी को। चलते हैं, चले। बड़ी तेज बारिश हो रही है, वाइपर की स्पीड भी बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी। अगर इस मौसम के अंदर जो लूफी सॉन्ग्स है अगर उसको चला दे और एसी की स्पीड थोड़ी धीमी सी कर दे, तो भाई जो मजा है ना नेक्स्ट लेवल तक पहुंच जाता है, नेक्स्ट लेवल तक। सो ये चंडीगढ़ का जो हाईवे है ये सीधा जाएगा, लेकिन मेरे को अंदर जाना है, थोड़ा काम है मुझे अम्बाला सिटी के अंदर, तो काम पूरा करते हैं फिर चलते हैं चंडीगढ़। सो इंतजार कर ही रहे थे अपना। और क्या, सो अम्बाला चंडीगढ़ एक्सप्रेसवे का जो टोल है आ गया। लोड आल्टो अभी धीरे धीरे स्पीड पकड़ेगी। सो गाइस, एक फेवरेट स्टॉप है मेरा जहाँ मैं अक्सर रुकता हूँ चंडीगढ़ से हिसार आते वक्त, तो चलो दिखाता हूँ आपको कौन सा है। सो गाइज, अपना ये जो हल्दीराम है ये अपना चंडीगढ़ एक्सप्रेसवे पे ही है। अब मैं तो रिकमेंड करूँगा यहाँ पे कि आप रुको यहाँ आके, बहुत ही ज़्यादा प्यारी जगह है ये। तो मैं तो यहाँ अक्सर रुकता हूँ बहुत बार, जस्ट मैं बता दूँ तो बिल्कुल ऑन द रोड ही है ये, ऑन द हाईवे ही है ये। एक्सक्यूज़ मी मैम, कोल्ड कॉफी के लिए, थैंक यू। कोल्ड कॉफी ग्रेट है यहाँ की, बड़ी डिलीशियस। सो आइस कोल्ड कॉफी उठानी थी, उठा लिया, चलते हैं। ओहो, काफी लूज कर दिया ढक्कन उन्होंने। ढक्कन लूज कर दिया, कोल्ड कॉफी गिर गई।
ठीक हो भैया, इस जगह को करते हैं बाय बाय, चलते हैं फिर अपनी मंजिल की तरफ। ये हमारे राइडर्स पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, जहाँ भी जा रहे हो सदगुरु माँ इनकी जर्नी सेफ रखे बिल्कुल अपनी तरह। जस्ट के नीचे अपना डेरा बस्ती है, सो डेरा बस्ती हमने क्रॉस कर लिया है, इसके बाद सीधा जीरकपुर, जीरक के बोल बाद फिर अपना सीधा चंडीगढ़। जीरकपुर वाला फ्लाईओवर आ गया अपना, जो बसें वगैरह रुकती है, जो हरियाणा रोडवेज होगी और जो प्राइवेट बसेस हैं वो सब इस फ्लाईओवर के नीचे रुकती है। तो जीरकपुर फ्लाईओवर ऐसे नीचे उतर गए। तो एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो जीरकपुर का जो फ्लाईओवर है अपना, ये इसी के नीचे से राइट साइड को ये एक और हाईवे जाता है, तो सीधा शिमला की तरफ जाता है, हिमाचल प्रदेश की तरफ जाता है सीधा। तो मैं तो जब भी अक्सर जाता हूँ शिमला अपना हिमाचल प्रदेश की तरफ, तो मैं उसी रास्ते से जाता हूँ। एक चीज़ और मैंने नोटिस करी है, व्लॉग बनाना बहुत टफ काम है भाई, बड़ा टफ काम है। मैं शूट कर रहा था कुछ, तो पीछे से ये अपना भाई रोडवेज जो हरियाणा का जहाज जिसको बोला जाता है, वो भी काफ़ी देर से वो हॉर्न मार रहा था, पैं 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 पैं। तो पता नहीं क्या मैं कुछ गलती कर रहा था या वो कुछ कर रहा था, बराबर में जब आया था पता नहीं क्या बोल के गया मेरे को लेकिन अपने लोग हैं यार, अपने हरियाणा के लोग हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आ गया चंडीगढ़। सो भारत के गिने चुने शहर जिनमें से चंडीगढ़ बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, तो गिने चुने शहरों में इसका नाम आता है चंडीगढ़ का, तो अपना चंडीगढ़ उनमें से एक है। वेलकम टू चंडीगढ़ भाई। फेमस तो जीरकपुर वाला जैम है, लेकिन मैं यहाँ से ही निकल पा रहा, चंडीगढ़ के अंदर भी एंट्री कर दी, दिखाऊं ये देखो, ये पता नहीं कहाँ तक है, आगे जो सिग्नल होगा वहां तक है। सो भाई अभी तो निकले भी नहीं जैम से, तो अभी तो मैं आलो माजरा चौक जो है उसके पीछे हूँ, तो उसके बाद फिर अपना ट्रिब्यून चौक आएगा, उसके बाद फिर मेडिकल चौक आएगा, सॉरी वो हाँ मेडिकल चौक आएगा, उसके बाद फिर अपना गुरुद्वारा चौक आएगा सेक्टर 33 का, उसके बाद फिर अपना पकाड़ली चौक आएगा, पकाड़ली चौक से फिर अपने को लेना है राइट 21A जहाँ अपना घर। तो बाद की बात यार, पहले जैम्स तो निकले, जैम ही बहुत ज़्यादा है। पापड़ वाले बड़े मस्त हैं यार, बेचते रहते हैं, इस तरफ नारियल वाला है, इस तरफ पापड़ वाला है, मेरे पीछे पानी वाला गया। सो फाइनली गाइस, जैम वगैरह सब पार करके अच्छे से तो पहुंच चुके हैं अपने घर सेक्टर 21। सो गाइस, पहुंच चुके हैं अपनी डेस्टिनेशन पे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो गिव इट अ थम्स अप, और कमेंट करके बताइए कि आप कौन सी और जो प्लेसेस हैं अपने चंडीगढ़ के आसपास या और भी कहीं, तो ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा ताकि मैं उस पर भी वीडियो बना सकूं। और आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो गिव इट अ थम्स अप। एंटिल देन, पीस।